नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में नीतीश सरकार ने नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें नए 21 मंत्रियों को जगह मिली है। अब नए मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा भी हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने भले ही जदयू के मंत्रियों में महेश्वर हजारी को छोड़कर कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जदयू के मंत्रियों के विभाग पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। पिछली सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का विभाग बदल गया है, साथ ही सुनील कुमार, जयंत राज, रत्नेश सदा का भी विभाग बदल दिया गया है। शीला मंडल, लेशी सिंह और मदन सहनी के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार को सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग मिला है। सम्राट चौधरी को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग मिला है। विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग मिला है। जदयू के सुनील कुमार को शिक्षा विभाग दिया गया है। जदयू के अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग मिला है। जदयू के जयंत राज को भवन निर्माण विभाग मिला है। जदयू के शीला मंडल को परिवहन विभाग, जदयू के विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग मिला है। जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, पर्यावरण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। जदयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। निर्दलीय के सुमित कुमार सिंह को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। जदयू की लेशी सिंह को खाद्य आपूर्ति विभाग मिला है। जदयू के मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। जदयू के रत्नेश सदा को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है। जदयू के महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मिला है। भाजपा के मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि विभाग दिया गया है। भाजपा के नीरज कुमार बबलू को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। भाजपा की रेणु देवी को मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग मिला है। भाजपा के नितिन नवीन को नगर विकास विभाग एवं विधि विभाग मिला है। भाजपा के जनक राम को SC/ST कल्याण विभाग दिया गया है। भाजपा के कृष्ण नंदन पासवान को गन्ना विभाग, भाजपा के सुरेंद्र मेहता को खेल विभाग, भाजपा के संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन विभाग, नीतीश मिश्रा को उद्योग एवं पर्यटन विभाग, हरी सहनी को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, भाजपा के केदार गुप्ता को पंचायती राज विभाग, भाजपा के दिलीप जायसवाल को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, जदयू के जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है। आपको बता दें कि NDA सरकार के गठन के दिन सीएम नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 15 मार्च को कैबिनेट विस्तार में कुल 21 नए मंत्री बनाए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।